हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली की बची हुई खीर से एक ज़बरदस्त सा नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी खीर। ये देखिए, इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और फिर इसमें हम एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देख लीजिए, अब हम इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए कैसा बैटर तैयार हुआ है, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। अब इसमें हम आधी कटोरी सूजी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से इसको हमें सूजी को इसमें मिक्स करना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तीखा अगर आपको पसंद है तो तेज कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो लाल मिर्च ना डालें, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाल दी है पहले ही। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे इसको। सूजी डालने के बाद ये घोल थोड़ा गाढ़ा सा होने लग गया है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के अलग रख देंगे। ये देखिए, हमारा घोल गाढ़ा हो गया है सूजी डालने से। तो हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और थोड़ा सा पतला करेंगे। घोल बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हम पैन गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम होने लग गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच घोल डालेंगे और इसको फैलाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये पक गया है एक तरफ से। अब इस पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये सिक चुका है अच्छे से। अच्छे से तैयार हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से और चीले भी हम बना लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये देखिए, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।